यकीन मानिए ऐसा वीडियो आपको अभी तक किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिला होगा। अगर उस पर इस तरीके से हाईलाइट है, हमारे डायनामिक रेंज से नीचे है, -7 से -9 के बीच में रखी। सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों, ये है DBX का ड्राइवरैक 260, DBX का सबसे पुराना और अभी तक का सबसे बेहतरीन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। वैसे तो आपने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, लेकिन आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यकीन मानिए ऐसा वीडियो आपको अभी तक किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिला होगा। क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस प्रोसेसर में मौजूद एक ऐसे फिल्टर की, जिसका अगर हम सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा सेटअप, हमारा पूरा सिस्टम खराब हो सकता है, हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है उसकी वजह से। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मैं आपको बताता हूँ मैं किस फिल्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लिमिटर की। लिमिटर दोस्तों एक ऐसा फिल्टर है इस प्रोसेसर में, अगर हम उसको सही से सेट नहीं करते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा और किसी के मिसयूज से बेकार भी हो सकता है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और आज आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे कि लिमिटर को कैसे सेट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिमिटर को इस प्रोसेसर में सेट करने के लिए हमें ये डायनेमिक का बटन प्रेस करना पड़ता है। इस तरीके से ग्रीन कलर की लाइट जलेगी, इसका मतलब डिस्प्ले में आपका डायनेमिक के फिल्टर्स ओपन हो चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा लिमिटर का पूरा फिल्टर डिस्प्ले में ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें करना क्या है, इस रोटरी नॉब से हमें ऐसे इस लिमिटर को मूव करके ऑन करना है, फिर हमें जाना है ओवर इजी पे। दोस्तों ओवर इजी मैं आपको बता दूं क्या काम करता है, जो भी हम थ्रेशहोल्ड लेवल सेट करते हैं ओवर इजी का नंबर हमारे यहाँ देखिए 1 से लेकर 10 तक होता है। जितना ज़्यादा ओवर इजी का नंबर हम रखेंगे उतना स्मूदली ये लिमिटर काम करेगा हमारे थ्रेशहोल्ड को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ आप इसको 4 या 5 पर रख सकते हैं, ये एक आप समझिए डिफ़ॉल्ट नंबर है, मैक्सिमम यही नंबर ज़्यादा जगहों पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम नॉब को प्रेस करेंगे तो यहाँ थ्रेशहोल्ड आएगा। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूँ, थ्रेशहोल्ड लिमिटर का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। समझिए जैसे बॉडी में हमारे हार्ट होता है उसी तरीके से थ्रेशहोल्ड है। अगर हमारा हार्ट सही से काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी भी सही से काम नहीं करती है और हमारी जान भी जा सकती है। उसी तरीके से लिमिटर में अगर थ्रेशहोल्ड हम सही से सेट नहीं करेंगे और अगर वो सही लिमिट पर सेट नहीं होगा तो हमारा सिस्टम सबसे पहले इसी वजह से ख़राब हो सकता है। तो लिमिटर में हमेशा याद रखिए थ्रेशहोल्ड लेवल अपने सॉल्यूशन के हिसाब से रखिए। मैं आपको जो सेटिंग यहाँ पे बता रहा हूँ वो एक आप समझिए एवरेज सेटिंग है। मोस्टली इंस्टॉलेशंस में इसी टाइप के लिमिटर के थ्रेशहोल्ड लेवल को सेट किया जाता है। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ आप देखेंगे ये आपका +20 से और माइनस आपका 40 dB तक जाता है। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लिमिटर का थ्रेशहोल्ड कितने पर सेट करें। कई लोग इसको +4 dB, 5 dB पर सेट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा लिमिटर माइनस में सेट कीजिए। लिमिटर जितना ज़्यादा माइनस में सेट करेंगे उतना ही जल्दी से आपका लिमिटर काम करेगा, सिस्टम को हार्म होने से बचाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप -10, -20 इस तरीके से कर दें। जैसे यहाँ देखिए मैं 4 स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ 300 वाट के और एक सबवूफर यूज़ कर रहा हूँ मैं 800 वाट का। तो यहाँ पे मैं जो लिमिटर लगाऊंगा इसके लिए वो लगाऊंगा मैं -7 dB अपने स्पीकर्स के लिए, क्योंकि 1-2 मैंने ले रखा है तो ये हमारा स्पीकर्स के लिए है। आगे सबवूफर्स के लिए भी आपको बता दूँ मैं -7 से 9 dB के बीच में ही लूँगा। आप भी यही लीजिए, इंस्टॉलेशन में 90% यही यूज़ किया जाता है -7 से -9 dB के बीच में। इससे आपका थ्रेशहोल्ड अच्छा काम करता है और लिमिटर बड़ी जल्दी आपके हार्मफुल सिग्नल्स को कैच कर लेता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए पीक स्टॉप प्लस ऑटो और ओवरशूट। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ पीक स्टॉप प्लस जो भी हम इनपुट आउटपुट देते हैं उसमें जो अननेसेसरी नॉइज़ होता है उसका जो थ्रेशोल्ड पे इफेक्ट आता है उसको जो है कम करने के लिए होता है। इसको आप सिंपली ऑन ही रखिए,
कोई इशू नहीं आएगा इसमें। उसके बाद यहाँ ऑटो कर दीजिए। ऑटो में क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ऊपर नीचे जैसा भी सिग्नल जाएगा ये अपने आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद ओवरशूट, ओवरशूट भी हमारा इसी टाइप के चलते हुए सिग्नल को फॉलो करता है और उसका भी डीबी लेवल यहाँ पे सेट किया जाता है, देखिए 2 से 6 डीबी तक। तो यहाँ आप 2 ही रखिए, ज़्यादा ठीक है। जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, पीक स्टॉप का ऑटो मोड अपने आप ऑटोमेटिक उसको एक इंटरनल लेवल पे ले आएगा जहाँ से आपका सिस्टम खराब ना हो, लिमिटर अच्छा काम करे। उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए सबसे मेन चीज़ अटैक, होल्ड और रिलीज। दोस्तों हमेशा याद रखिए, अटैक टाइम आपका आपके सेटअप के, आपके सॉल्यूशन के हिसाब से होना चाहिए, यही नहीं कि आप कुछ भी डाल दें। क्योंकि देखिए जैसे कई जगह पे फास्ट म्यूजिक चलता है, आपका लाइव इवेंट है वहाँ पे कभी कभी फास्ट म्यूजिक भी चलता है, कभी कभी स्लो म्यूजिक भी चलता है। बैंड है, बैंड में हम मोस्टली फास्ट ही म्यूजिक चलता है, तो वहाँ पे जो बीट आपकी थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर रही है वो बहुत जल्दी से उस पर अटैक टाइम काम करे और जल्दी से उसको एक रेंज के अंदर में लेके आए। तो अटैक टाइम उस हिसाब से कीजिए आप। स्लो म्यूजिक है तो वहाँ पे आप अटैक टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं ताकि स्लोली काम करे और आपका जो सिग्नल है उस पर एक अचानक से अजीब सा चेंज ना आ जाए जिससे सिग्नल क्या म्यूजिक ही खराब हो जाए, जो भी सोर्स यूज कर रहे हैं वो खराब हो जाए, उसमें मजा ही ना आए। तो उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कीजिए। जैसे फास्ट म्यूजिक में आप कम से कम रखिए और अगर स्लो म्यूजिक है तो ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। उसी हिसाब से आप होल्ड टाइम रखिए, होल्ड भी उसी हिसाब से रखिए कि अगर आपका फास्ट म्यूजिक है समझिए उस पर अटैक आपने रखा है 0.3 मिली सेकेंड, तो अटैक के बाद वो होल्ड कितनी देर रखना है उसको, क्योंकि हम ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं रख सकते फास्ट में और ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर सकते, तो हम उसको भी उसी हिसाब से रखेंगे। उसके बाद सेम नीचे रिलीज़ कितनी देर में करना है, रिलीज़ भी आप उसी हिसाब से रखिए, एक कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे अपने सॉल्यूशन के हिसाब से, तो रिलीज़ भी उसी हिसाब से सेट होगा और बढ़िया काम करेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं इसकी लिमिटर में सेट करने के लिए। और सबसे मेन चीज़ है हमारी ये थ्रेश होल्ड लेवल ही है जिसके क्रॉस करने के बाद ही हमारा रिलीज़, होल्ड, अटैक, पीक स्टॉप प्लस ओवरशूट ये सारा काम करता है। तो थ्रेश होल्ड लेवल उस हिसाब से रखिए और कोशिश कीजिए कि आप इसको प्लस में मत रखिए, आप इसको माइनस में ही रखिए, तभी आपका काम करेगा। मैं आपको एक म्यूज़िक चला के दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखेंगे आपके 3 साइन दे रखे हैं, माइनस, जीरो और प्लस। माइनस का मतलब होता है कि हमारा जो लिमिटर है अगर उस पर इस तरीके से हाईलाइट है तो हमारे डायनामिक रेंज से नीचे है, मतलब हमने जो थ्रेशोल्ड लेवल सेट किया है उससे नीचे ही है। और अगर ज़ीरो पे आता है तो ना वो हमारे थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर रहा है और ना ही थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे जा रहा है, एक सेंटर पे है। और अगर प्लस पे हाईलाइट करता है तो इसका मतलब हमारे थ्रेशोल्ड लेवल को वो क्रॉस कर रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ म्यूज़िक चला के, तब आपको समझ में आएगा। मैंने म्यूज़िक यहाँ चला दिया है, अब आप देखिएगा ये हमारा ये साइन कैसे काम करेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर ये माइनस और जीरो पे ही हाईलाइट कर रहा है, प्लस पे बीट्स पे जा रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, प्लस पे बहुत कम हाईलाइट कर रहा है क्योंकि मैंने -7 पे किया। अगर मैं यहीं पे इसी थ्रेशोल्ड को देखिए आप 0 dB पे कर देता हूँ, ठीक है, अब यही म्यूज़िक चला। आपने देखा इसमें हमारा ये थ्रेशोल्ड लेवल ही क्रॉस नहीं कर रहा है
उसका कारण ये है क्योंकि हमने 0 dB थ्रेशोल्ड लेवल रखा है, तो हमने थ्रेशोल्ड लेवल ही इतना बढ़ा रखा है, प्लस में रखा है, उससे ऊपर हमारा सिग्नल की रेंज क्रॉस ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका थ्रेशोल्ड लेवल ऐसे किसी डीबी लेवल पे सेट होगा तो आप ये समझिए कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका लिमिटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिस्टम को हार्म होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने डीबी जीरो कर दिया या प्लस में कर दिया इस वजह से। अगर यहीं आप इसको माइनस में 7-8 करते हैं तो वहाँ क्या होता है, आपको पता लगता है, एक्चुअल आपको पता लगता है कि आपका यहाँ पे लिमिटर कैसा काम कर रहा है और कितने पे हार्म होगा सिस्टम को आपके उस हिसाब से। पूरा फुल बना रखा है। और आपको मैं पूरा म्यूजिक सुनाता हूँ पीछे ले चल के। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा था हमारा ये साइन, देखा आपने। तो आप इसको कोशिश कीजिए -7 से -9 के बीच में रखिए। हाँ, लेकिन अगर आप कहीं पे ब्रिज मोड पे सबवूफर चलाते हैं, वहाँ पे आपका एम्पलीफायर का वोल्टेज ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल है आपके सबवूफर से, तो वहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपके एम्पलीफायर से जो भी सिग्नल निकल रहा है आपके सबवूफर के लिए वो एकदम एक्स्ट्रा ना निकले, कहीं ना कहीं काट के रखे प्रोसेसर के थ्रू, तो उस हिसाब से रखिए। हाँ, कहीं आप स्पीकर सपोज़ कीजिए 1-2 चैनल का एम्पलीफायर है, उस पर आप 6-8 स्पीकर चलाते हैं, पर चैनल 3 या 4 स्पीकर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड लेवल और बढ़ा के रखना पड़ेगा, जिससे आपका लिमिटर अच्छे से काम करे और जल्दी से जल्दी सिग्नल को कैच करके नीचे लाए, क्योंकि इस कंडीशन में आपके स्पीकर्स और एम्पलीफायर के बीच में जो इम्पीडेंस मैचिंग होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, मतलब 2.5 ohm, 3 ohm, 2 ohm तक चली जाती है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में आपको थोड़ा थ्रेशोल्ड लेवल को बढ़ा के रखना पड़ता है, जिससे आपका सिस्टम हार्म ना हो, सिस्टम जले ना, उड़े ना, आपको कोई नुकसान ना हो। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लिमिटर की सेटिंग कर सकते हैं। हर सॉल्यूशन में लिमिटर की सेटिंग अलग अलग होती है, लाइव में अलग होती है, डीजे में अलग होती है, इस फिक्स इंस्टॉलेशन में अलग होती है। तो इसको मैंने जो आपको बताया है ये मोटा मोटा आप फिक्स इंस्टॉलेशन में और डीजे में यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं आप लाइव में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जहाँ हाई एंड लाइव है वहाँ पे आपको प्रॉपर इससे भी बड़ा जो BSS का प्रोसेसर आता है वो लगाइए, जहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा लिमिटर के फिल्टर्स मिलते हैं यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो था लिमिटर के ऊपर, आशा करता हूँ आप लोगों को इससे कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी और आप भी इससे सीखेंगे। वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और जल्दी आपसे मिलता हूँ किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ या प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरा चैनल देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो बनाने का। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।